वेलकम फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आज का हमारा सेशन है टाइम एंड वर्क, आरएस अग्रवाल का बुक है, चैप्टर नंबर 15। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको तीन पॉइंट दिखेगा, इन तीन पॉइंटों को आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आइए अब सोल्व करते हैं प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या एक में हमारा प्रश्न संख्या एक में है किसी कार्य को 12 दिन में, ठीक है, एक किसी कार्य को 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग। ये क्या होगा, हमको एक दिन में 1/12 भाग करेगा, कौन, ए करेगा। अब बोलता है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक है, बी, तो बी का एक दिन में कितना करेगा, ए का 60% अधिक, तो 60% अधिक का मतलब 160/100, ठीक, इतना क्या हुआ, इतना भाग करेगा, कितना दिन में, एक दिन में। कैलकुलेशन करेंगे 1 0 से 1 0, इसके बाद 4 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे, यहाँ भी 2 से काटेंगे 5, टोटल हमको फाइनल कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल हमको फाइनल आ जाएगा 2/15 भाग, एक दिन में 2/15 भाग करेगा बी। तो पूरे कार्य को ये करता है एक दिन में कितना भाग, ये पूरे कार्य को, पूरा कार्य, ठीक है, पूरा काम कितना दिन में करेगा, 15/2, 15/2 क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो इसको 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7.1/2, ठीक है। जैसा कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट हमने बतलाया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या दो में। प्रश्न संख्या दो में क्या है, एक किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, ठीक है, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 23, एलसीएम आके हमको 23, इसके बाद 10 से भाग करेंगे 23 में, कितना बार में कटेगा, 3 यहाँ लिख लेंगे, 15 से भाग करेंगे 30 में, 2 बार में कटेगा, 2 यहाँ लिख लेंगे। ये हमको क्या है, पूरा काम है, ये हमारा टोटल काम है, ये क्या है हमारा भाग, ये क्या है भाग, और ये क्या है हमारा दिन, ठीक, बात को समझिएगा, ये टोटल काम है, ये भाग है और ये दिन है, ठीक है। तो बोलता है कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, तो इसमें टोटल काम में 5 से हम भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यही हमारा 6 आंसर होगा, यही हमारा 6 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं अब तीन, प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन में क्या है, सो देखिए, तीन में है यदि ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर कितना दिन में करता, 15 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, तो ए कितना दिन में करेगा, देखिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60, कितना बार में कटेगा, 15 से 4 बार में, कितना बार में कटेगा, 20 से 3 बार में, ठीक। तो बोलता है कि ए कितना दिन में, तो इन दोनों में से बी को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा, तो यहाँ पर भी 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, अब 1 से हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, 60 आ जाएगा, यही हमको आंसर हो जाएगा, 60। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम चार, चौथा प्रश्न क्या बोलता है, तमस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, तमस, तो क्या करते हैं,
टी, ठीक है। तमस को एक्स मान दिया, तमस को एक्स मान दिया, एक्स दिन में करेगा, तो मेहर, मेहर कितना दिन में करेगा, टू एक्स दिन में करेगा, ठीक है। जो ज़्यादा कार्य कुशल होगा वो कम टाइम लेगा, तो यहाँ पर कौन ज़्यादा कार्य कुशल है, तमस, सॉरी तपस, तपस ज़्यादा कार्य कुशल है तो कम दिन टाइम लेगा, ठीक है। मेहर कम है तो दोगुना टाइम लिया। इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, टू एक्स, यहाँ पर क्या होगा, टू और यहाँ पर वन, दोनों मिल करके कितना दिन में करता है कार्य, दोनों मिल करके 12 दिन में पूरा करता है। तो क्या करते हैं, दोनों मिलकर दो एक तीन, तो तीन से क्या किया, भाग इन दोनों को जोड़ दिया हमने, ठीक। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, दो से कटेगा 12, 6 बार में, तो एक्स बराबर कितना, 36, 18। तो क्या पूछ रहा था, तपस का पूछ रहा था, तपस कितने दिन में पूरा करेगा अकेला, तो यही आपका एक्स आ गया यहाँ पर। ये क्या होता है, दिन होता है, दिनों की संख्या, यही हो गया हमारा आंसर एक्स। तपस कितना दिन में करेगा, एक्स दिन में, तो एक्स कितना है, 18, यही हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। वीडियो के लिए अब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न था, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए किया किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, ठीक है। बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो देखिए दोनों को एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। कितना, 18 25 90, 18 से भाग करते हैं 90 में तो 5, 15 से भाग करते हैं 90 में कितना जाएगा, 6, यहाँ पर 6। अब क्या बोलता है, सो देखिए, अब यहाँ पर बोलता है अगला लाइन कि बी अकेले ने, बी अकेले इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, किसने छोड़ा काम, तो बी ने छोड़ दिया, बी का कितना है, 6 है, तो इसमें गुना कर देंगे, कितना दिन, 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया 10 दिन, तो 10 से हम गुना कर देंगे, और इसको जो गुना करेंगे हम इसमें से घटा देंगे, 10 6 60, 10 क्या किया, घटा दिया, कितना गया हमको, 30। बाकी का कार्य कौन किया, बाकी जो शेष कार्य बचा वो किया ए ने, ए अगला कार्य कौन किया, ए किया, ए का कितना है, 5, तो 5 से हम भाग कर देंगे, तो कितना जाएगा, 6, 30 में भाग किया 5 से, कितना गया, 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा 6। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम, अगला प्रश्न हमारा छठा, छठा प्रश्न देखिए क्या बोलता है, छठा प्रश्न, छठा प्रश्न बोलता है ए एक कार्य का, ठीक है, ए एक कार्य का 1/2 भाग, 1/2 भाग कितना दिन में किया, 5 दिन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 2/1 गुने 5, अब कितना गया, 10, ठीक, ए 10 दिन में कार्य पूरा कर लिया, ठीक है। पहले क्या कर रहा था, 1/2 भाग कर रहा था 5 दिन में, तो पूरा कार्य कितना करेगा, 10 दिन में। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, बी कितना दिन में करता है, 2/5 भाग, सॉरी 3/5 भाग, 3/5 भाग कितना दिन में करता है, 9 दिन में, तो इसको पलट लेंगे, 5/3 × 9, कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे 9 को, आ जाएगा 3, तो 5 × 15 आ जाएगा 15 दिन में, ठीक। 3/5 भाग करता है 9 दिन में, तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। इसी प्रकार सी का निकालेंगे, ठीक, तो सी का यहाँ पर कितना आ जाएगा, सी 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना दिन में करता है, 8 दिन में, तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, 3/2 × 8, कितना आ जाएगा,
यहाँ पर 2 से काटेंगे 4, तो 4 जाए 12 दिन में। अब क्या करेंगे, इन तीनों कैल्शियम ले लेंगे, इन तीनों का 10, 15 और 12 का एल्शियम। एल्शियम कितना लेगा इन तीनों का 60, 10, 15, 12 कैल्शियम 60, 10 से भाग करेंगे 60 में 6 आ जाएगा, 15 से भाग करेंगे 60 में 4 आ जाएगा, 12 से भाग करेंगे 60 में 5 आ जाएगा। अब बोलता है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तीनों को जोड़ देंगे 6, 4, 10 और 5, 15, 15 से हम भाग कर देंगे, कितना देगा 15 चौका 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न लेते हैं सातवां। प्रश्न संख्या 7 में क्या बोलता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में, ठीक है, बी 12 दिन में कर ले। इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा 24, यहाँ 8 तरीके 24, 12 दुना 24। यहाँ से हमको क्या निकालना है, बी का हमको पहले ही दिया है, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा, ठीक है, तो ए का कार्य पूछ रहा है, ए का भाग पूछ रहा है, ए कितना दिन में करेगा, तो ए और बी मिलकर के कितना दिन करता है 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, तो हम यहाँ से निकाल देंगे ए का, ए का निकाल देंगे यहाँ से हम, ठीक है, तो ए का कैसे निकलेगा, इन दोनों में से बी को घटा लेंगे, किसका बचेगा ए का, तो तीन में से दो हमने घटा लिया, कितना बचा एक, तो बराबर में कितना गया 24, 24 दिन किसका आ गया एक आ गया, अब एक आ गया हमको 24, और यहाँ पर क्या दिया है बी का, बी का कितना है, हाँ बी का दिया है 12, बी का 12 दिया है, ठीक है, दोनों का एल्शियम लेंगे कितना आएगा 24, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 24 भाग करेंगे 24 में एक आ जाएगा, 12 से भाग करेंगे 24 में दो आ जाएगा। अब प्रश्न को पढ़िए क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहा, ठीक है, बी 4 दिन, तो 4 से गुना कर देंगे बी में, कितना होगा 4 दुना 8, 8 क्या करेंगे घटा लेंगे, कितना बचा 16। अब बाकी जो कार्य है, बी का तो कार्य निकल गया, बी वाला हम निकाल, बी जितना काम किया उसको हम निकाल दिया, बच गया कितना हमको 16, 16 कौन किया ए ने किया, ए का कितना है एक, तो एक से हम भाग कर देंगे, कितना जाएगा हमको 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी का कार्य कौन करेगा, ए करेगा, कितना दिन में 16 दिन में करेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 में। 8 क्या बोलता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला कार्य को कितना दिन में, देखिए ए का हम निकालेंगे एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/9 भाग, 1/9 भाग, तो बी कितना करता है, बी करता है ए से 50% अधिक, तो 1/9, ए का 150, 100 प्लस 50 प्रतिशत में है, तो 150/100, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 10 से 10 काटेंगे और 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ पर कितना गया हमको 1/6 भाग। अब बी कितना करता है, बी एक दिन में 1/6 भाग करता है, बी एक दिन में 1/6 भाग, तो पूरा कार्य कितना दिन में करेगा, पूरा काम कितना कर लेगा 6 दिन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या बोलता है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में,
ए तथा बी मिलकर 18 दिन में, ए प्लस बी कितना दिन में 18 दिन, बी तथा सी मिलकर 24 दिन, बी तथा सी 24 दिन, सी तथा ए मिलकर 36 दिन, ठीक है, 36 दिन में पूरा करता है, समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 18, 24, 36, ठीक, तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 72, एलसीएम आ जाएगा हमको 72, 18 से भाग करेंगे 72 में 4 बार में कटेगा, 24 से भाग करेंगे 72 में 3 बार में कटेगा, 36 से भाग करेंगे 72 में 2 बार में कटेगा, ठीक। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 7, 2, 9। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, इन सबको जब जोड़ेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2 हमको कॉमन आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ए प्लस बी इसको जोड़ा, इसके बाद बी प्लस सी इसको जोड़ा, प्लस सी प्लस ए, इन में 2-2 कॉमन है, 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2 कॉमन हो गया हमको, तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे 72 में, ठीक, क्योंकि 2-2 जन मिल करके काम कर रहा है, यहाँ पर 2-2 संख्या हो गया, हमको चाहिए क्या ए प्लस बी प्लस सी का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है मल्टीप्लाई में, यहाँ पर तो 2 क्या किए, इसमें हम गुना कर दिए। अब कैलकुलेशन करेंगे हम तो 8 9 72 8, 8 2 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा 16 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है, सो देखिए, ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी प्लस सी मिलकर के 12 दिन में, सी प्लस ए 15 दिन में, ठीक है, तो क्या करें, तीनों का एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे, हमको निकालना किसका है, किसका कार्य पूछ रहा है, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, सी का पूछ रहा है, तो तीनों का एलसीएम लिए हैं, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 120, 120 हमको एलसीएम आ गया, 8 से भाग करेंगे 120 में 15 बार में कटेगा, 15 8 120, 12 से भाग करेंगे 10 बार में, 15 से भाग करेंगे 8 बार में, हमको सी का चाहिए, केवल सी का, सी कितना दिन में कार्य पूरा करेगा अकेला, तो क्या करेंगे हम, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको हम जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ करके ए बी घटा लेंगे, ये वाला घटा लेंगे, जैसे इस प्रकार से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस कितना हो जाएगा ए प्लस बी, इन तीनों में से ए प्लस बी को हमने घटा लिया, क्या बचेगा सी बचेगा, तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़िए, 15 10 25 और 8 33, कितना आ गया 33, लेकिन जब इन तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ भी हमने तीनों को जोड़ा, जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमको 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें भी हमको 2 से भाग करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए 2 हमको भाग करना पड़ेगा 2 से, माइनस कितना है ए प्लस बी कितना है 15, तो हो जाएगा 15, यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 15 2 9 30, मतलब कि 33 में से 30 घटा तो आ गया 3/2। अब इस संख्या से हम क्या करते हैं, इसमें भाग करते हैं 3/2, ठीक है, 3 से हमने भाग किया, इसमें कितना बार कटेगा 40 बार में, और ये 2 का होगा ऊपर में जाकर गुना हो जाएगा, तो 40 2 9 80, यही हमारा आंसर हो जाएगा 80, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ से क्या निकाल लिया हम,
सी का निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को निकाल दिया, क्या बचा हमको, सी बचा। सी कितना है, 3/2, तो 3/2 से हम यहाँ भाग कर दिया, कितना गया हमको, 80 आ गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 में। 11 क्या बोलता है सो देखिए, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 बोलता है एक किसी कार्य को 18 दिन में, एक किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, ठीक है, सी 30 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमको, एलसीएम हो जाएगा 180। 18 से भाग करेंगे कितना बार में कटेगा, 10 बार में, 20 से कितना बार में, तो 9 बार में, 30 से काटेंगे 6 बार में, इतना गया। लेकिन प्रश्न में हमको क्या बोलता है, प्रश्न में बोलता है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे छोड़कर चले जाते हैं, ए कितना समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो बी तथा सी, बी तथा सी 9 दुना 9 और 6 कितना हो गया, 15, 9 6 15, 15 दुना 30, तो 30 क्या करेंगे हम घटा लिए, बी और सी का भाग हम घटा लिए, ठीक है। बी सी कितना है, 9 और 6 9 6 कितना हो गया, 15, दोनों ने कितना दिन काम किया, 2 दिन तक, तो 30 हमने घटा लिया, 30 हमने घटा लिया, कितना बचा, 150, 150 काम बचा, इसको कौन करेगा, ए करेगा, तो ए कितना है, 10 है, तो 10 से हम भाग कर देंगे, तो कितना जाएगा, 0 से 0 कर जाएगा, 15 जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 15, प्रश्न संख्या 11 का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 क्या बोलता है, ए बी तथा सी किसी कार्य को, ठीक है, किसी कार्य को 6, 4, 12 घंटा में पूरा करता है। देखिए ए करता है कितना घंटा में, 6 घंटा में, बी कितना घंटा में, 4 घंटा में, सी 12 घंटा में, तीनों मिलकर कितना घंटा में पूरा कर लेगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा, 12, 6 दुना 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12, तीनों मिलकर के तीनों को जोड़ देंगे, 2 3 5 1 6, 6 से भाग कर दिए, कितना जाएगा हमको, 2, यही हमारा 2 लास्ट आंसर आ जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 में। 13 क्या बोलता है प्रश्न संख्या, एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में, पुरुष स्त्री लड़का तीनों मिलकर के 3 दिन में कार्य को पूरा करता है। इसके बाद बोलता है यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में, पुरुष 6 दिन में, इसके बाद एक लड़का अकेला 18 दिन में, एक लड़का 18 दिन में, इसके बाद क्या बोलता है प्रश्न कि स्त्री अकेला ऐसे कितना दिन में, एस कितना दिन में करेगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना लेगा एलसीएम, 18, 3 6 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। यदि इन तीनों में से इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो एस निकल जाएगा हमको, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 इन दोनों को जोड़ा और इसमें से घटा दिया, तो 3 1 4 और 6 में से 4 घटा देंगे, कितना जाएगा, 2 बचेगा, इसको जोड़ करके इसमें से घटा दिया, 6 में से 4 घटा लिए, कितना बचा हमको, 2, तो 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा हमको 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा 9। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 में। 14 प्रश्न संख्या बोलता है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, ठीक है। देखिए एक आदमी और एक लड़का, एक बुआ, ठीक, तो इन दोनों का
एक दिन का कार्य निकाल देंगे। इन दोनों का एक दिन का कार्य, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम पूरा काम करता है 24 दिन में दोनों मिलकर के, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/24 भाग, 1/24 भाग। ठीक है, अब क्या बोलता है प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न बोलता है आगे कि यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। देखिए, अंतिम दिन में आदमी करता है, ठीक है, अंतिम दिन में आदमी करता है तो 6 दिन, 6 दिन आदमी का कार्य, आदमी का काम, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आदमी का काम प्लस अब शेष कितना बचा? 20 दिन, टोटल 26 दिन में पूरा करता है, तो ए प्लस बी कितना दिन किया? 26 दिन किया, सॉरी 20 दिन किया। टोटल काम कितना हमारा? 1 है। ये जो निकलेगा क्या निकलेगा? भाग हमको निकलेगा। 6 दिन का ए का काम प्लस ए प्लस बी का 20 दिन का काम, 6 और 20 कितना गया? 26 आ गया। अंतिम 6 दिन में कौन करता? आदमी करता, तो 6 दिन हो गया। और बाकी उसके पहले काम कौन करता है? दोनों करता है, आदमी और लड़का, आदमी और बॉय दोनों करता है मिलकर के, हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर दिया है ए प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना? 24 दिन। यहाँ पर लिखेंगे इसको हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, प्लस ए प्लस बी का कितना है? 1/24 है, तो 1/24 गुना कितना दिन का है? 20 दिन, बराबर 1 भाग। ये पूरा भाग ये क्या है? पूरा कार्य है 1। यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बार में कटेगा? यहाँ से काट लीजिए 4 से, तो 5 चौके 20, 6 चौके 24। तो यहाँ से 6 दिन का कार्य, छ दिन का काम कौन करेगा? 6 दिन काम आदमी ए, बराबर है यहाँ सब देखिए, एक माइनस, ठीक है, 1 माइनस 5/3 इधर क्या है? प्लस में तिरा तो क्या माइनस में 5/6, यहाँ से हमको क्या मिल गया? 1/6, 1/6 आ गया। अब देखिए यह है हमारा 6 दिन का कार्य, किसके द्वारा? आदमी के द्वारा, 1/6 भाग। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? बात को समझिएगा, एक दिन का काम किसके द्वारा? ए के द्वारा। ये 6 दिन का था 1/6 भाग, 6 दिन में 1/6 भाग, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/36 भाग, 6×6 36, ठीक है, 1/36 भाग किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमको मिल गया, किसका मिल गया? एक का मिल गया 1/36, मतलब कि ए पूरा काम कितना दिन में करेगा? ए पूरा काम, पूरा काम कितना करेगा? 36 दिन में, कितना? 36 दिन में। और इसके बाद हमको क्या बोलता है सो देखिए, इसके बाद हमको निकालना किसका है? बी का निकालना है, लड़का, लड़का का काम निकालना है, अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो लड़का का बोलता है यहाँ पर ए प्लस बी का हमको दिया है, ए प्लस बी का कितना? 24, ए का हमको कितना है? 36, यहाँ से 36 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा हमको? एलसीएम आ जाएगा हमको यहाँ पर 36 और 24 का, तो आ जाएगा 72, कितना जाएगा? 72 गुना कर 24 भाग करेंगे 72 में, कितना? 3 बार में, 36 भाग करेंगे 72 में 2 बार में, हमको निकालना किसका है? बी का, तो इसमें से एक का हम निकाल लेंगे, तो 3 में से 2 गया 1, कितना बचा? 1 बचा, 1 से हम भाग कर देते हैं, कितना जाएगा हमको? 72, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ये किसका आया? लड़का का आया, बॉय का आया,
यही हमारा हो जाएगा 72 दिन आंसर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 में। प्रश्न संख्या 16 क्या बोलता है सो देखिए। प्रश्न संख्या बोलता है 16, ए किसी कार्य को ए करता है 4 घंटा में। इसके बाद बी तथा सी मिलकर, बी तथा सी मिलकर 3 घंटा में। इसके बाद ए तथा सी मिलकर, ए तथा सी मिलकर 2 घंटा में। तो आगे क्या पूछता है, बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 12, 4 से भाग करेंगे 12 में 3 बार में, 3 से भाग करेंगे 12 में 4 बार में, 2 से भाग करेंगे 12 में 6 बार में। हमको निकालना है बी का, बी कितना दिन में करेगा। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इन दोनों को जोड़ करके ये वाला घटा लेते हैं ए प्लस सी को, इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी, इसको और इसको जोड़ा ए प्लस बी प्लस सी, माइनस इसको घटा लिया, ए माइनस सी होएगा बराबर। बराबर यहाँ पर क्या होगा सो देखिए, इसको हमने जोड़ा तो 4 3 7, 7 इसको घटा लिया, 6 है यहाँ पर तो माइनस 6, यहाँ पर कितना बचा, बच गया बी बराबर 1। तो 1 से हम क्या करेंगे 12 में भाग कर देंगे, तो 12/1 इक्वल टू होता है 12, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 16, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 में। 17 क्या बोलता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि बी का मान लिए एक्स, बी का मान लिए एक्स, तब यहाँ पर ए का कितना होगा 1/6 समय में आधा काम, इसका मतलब कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है, 1/6 समय में आधा काम, मतलब कि 1/3 हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा एक्स इंटू 1/3, एक्स से भाग करेंगे इसमें कितना बचेगा 1/3, इससे भाग करेंगे इसमें कितना बचेगा एक्स। तो अब करेंगे क्या, इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है दोनों मिल करके कितना दिन में करता है 10 दिन में कार्य को पूरा करता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर जाएगा 4x/3, 4x/3, एक्स और एक्स एक कट गया, 3 और एक 3 यहाँ से कट गया, ठीक है। हमको बचा कितना, एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ से 10 × 4 40। हमको किसको मालूम करना था, बी का। प्रश्न में क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी का कितना है एक्स दिन है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 40 दिन, यही ना आ गया हमको आंसर 40 दिन, यही हो गया हमारा आंसर 40 दिन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 क्या बोलता है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। सही बात है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो क्या मानेंगे हम, बी का मान लिए एक्स, बी का एक्स मान, आगे क्या बोलता है सो देखिए, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा करता है। तो ए कितना होगा, बी से 60 दिन कम समय में, तो बी करता है एक्स दिन में, तो ए कितना दिन में करेगा, एक्स माइनस 60, एक्स माइनस 60। लेकिन प्रश्न का पहला लाइन क्या बोलता है, ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। कौन कार्य कुशल है, बी ए 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, ठीक है। तो 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो कौन कम समय लेगा, कौन कम समय लेगा,
ये लेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना है, x माइनस 60। तो इसको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a में 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना बराबर होगा, क्योंकि b क्या है, a से 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए a में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना होगा, 3x माइनस 180। यहाँ से हमको x बराबर कितना आ गया, यहाँ से हमको x बराबर आ जाएगा 90, ठीक है। x बराबर 90, x किसका है, x हमारा b का। अब a का निकालेंगे, a का कितना है, x माइनस 60, 90 माइनस 60 कितना होगा, 23, ठीक है। अब बोलता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में, तो दोनों को जोड़ देंगे एलसीएम लेकर के, कितना होगा एलसीएम, 90 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक और यहाँ 3, 3 और 1 4, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो 90 बटे 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22 पूर्णांक 1 बटे 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर, 22 पूर्णांक 1 बटे 2 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 में। 19 क्या बोलता है प्रश्न संख्या, सो देखिए 19 बोलता है, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, एलसीएम कितना है, 36 54 72 का एलसीएम हो जाएगा 216। 36 से भाग करेंगे कितने बार में कटेगा, 6 बार में, 54 से भाग करेंगे कितने बार में, 4 बार में, 72 से भाग करेंगे कितने बार में, 3 बार में, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न क्या बोलता है कि तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, ए ने, ठीक है, ए का काम निकालेंगे हम, ए ने 8 दिन कार्य समाप्त होने से पहले 8 दिन, लेकिन ए का कितना है, 6 भाग है, तो 6 से गुना कर दिए, कितना गया, 8 6 48। अब बोलता है बी, बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो 12 गुने बी का कितना है, 4, 4 से गुना कर देंगे, 12 चौके 48, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, 96। और बोलता है कि इन दोनों ने, ए और बी ने पहले काम समाप्त होने से पहले, ठीक, समाप्त होने से पहले, तो क्या करते हैं, टोटल काम में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 312, ठीक, 312। अब तीनों ने मिलकर, तो क्या करें, तीनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 से इसमें भाग कर देंगे, जब 13 से भाग करेंगे 312 में, तो कितना बार में कटेगा, 24 बार में, कितना बार में, 24 बार में, यही हो जाएगा हमारा आंसर, 24। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 में। प्रश्न संख्या 20 क्या बोलता है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 भाग, ए प्लस बी एक दिन में 1/12 भाग। इसी प्रकार हम निकाल देंगे बी प्लस सी का, एक दिन में कितना करेगा, 1/16 भाग, ठीक है। ए बी और सी कितना दिन में करता है, 16 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/16 भाग, ठीक। अब आगे क्या बोलता है प्रश्न, सो देखिए, पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन, इसके बाद शेष कार्य सी ने 13 दिन में, तो क्या करेंगे हम इसको कि ए प्लस बी दोनों का कार्य निकालेंगे, तो ए कितना दिन किया, 5 दिन शुरू में, ठीक है, प्लस इसके बाद बी प्लस सी,
बी प्लस सी, तो ए के साथ में बी ने 5 दिन कार्य कर लिया, लेकिन बी कितना दिन करता है, 7 दिन करता है, तो 7 में से 5 दिन कर लिया, तो कितना बचा, 2 दिन। बी का कितना हुआ, 5, और यहाँ पर 2, 7, ठीक है, 7 दिन में पूरा किया। इसके बाद बोलता है सी ने शेष कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, लेकिन सी यहाँ पर 2 दिन कार्य कर लिया, 2 दिन कार्य कर लिया, तो कितना बचा, 11। सी टोटल काम कितना था, 1। ठीक, अब ए प्लस बी का, ठीक है, 1 दिन में करता है 1/12 भाग, तो 5 दिन में कितना करेगा, 1/12 × 5, मतलब कि 5 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5 से गुना कर देंगे, प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितना, 1/16, तो 12 दिन में 2 से गुना कर देंगे, है ना, 2 दिन में 1/16 × 2, प्लस 11। सी का तुमको दिया नहीं है, तो सी ज्यों का त्यों रहने देंगे, बराबर 1, ठीक है। 2 से काट लेंगे हम, 16 को कितना बार में कटेगा, 8 बार में, और इसको हम जोड़ लेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13/24, 13/24 प्लस 11C बराबर 1, ठीक है, तो 11C बराबर, 11C बराबर कितना आएगा, 1 माइनस, ये इधर प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में, तो 13/24, ठीक है। अब यहाँ से हमको 11C बराबर, 11C बराबर कितना आ गया, 11/24, तो 11 से 11 क्या हो गया, कट गया, तो सी बराबर यहाँ से हमको क्या मिल गया, सी बराबर मिल गया 1/24 भाग। अब 1/24 यहाँ पर एक छिपा हुआ है, क्योंकि एक बार में कटा, तो 1 दिन है, 1 दिन में कितना किया, 1/24 भाग, तो पूरा कार्य, ठीक है, पूरा काम कितना दिन में करेगा, 1 दिन में 1/24 भाग, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 24 दिन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, 24 दिन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 में, प्रश्न संख्या 21 में, यदि वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। 21 क्या बोलता है प्रश्न, ये अकेला एक कार्य को 10 दिन में, ए करता है अकेला 10 दिन में, और बी करता है जबकि बी 15 दिन में, तो प्रश्न क्या बोलता है, यदि वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से काम करें, क्या करेंगे, दोनों को एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम 30, सॉरी एलसीएम कितना गया 30, भाग करेंगे कितना बार में, 3 बार में, 2 बार में, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न क्या बोलता है, ए और बी बारी बारी से, मतलब कि ए और बी 2 दिन मिलकर काम करेगा, ठीक है, ए दिन, पहला दिन कौन करेगा, ए, इसके बाद अगला दिन कौन करेगा, बी, इसके बाद अगला दिन ए, इसके बाद अगला दिन बी, इस प्रकार से, तो दोनों जब काम करेगा एक साथ मिल करके, तो कितना टाइम लग जाएगा, 2 दिन, मतलब कि 2 दिन का 1 दिन, यहाँ करके करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से गुना कर देंगे, बटे 3 × 2 = 5, 5 से भाग कर देंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 6, बराबर में आ जाएगा 6 × 12, यही हो जाएगा हमारा आंसर, 12 दिन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 में, प्रश्न संख्या 22 क्या बोलता है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, ए करता है 16 दिन में, जबकि बी अकेला 12 दिन में। अब आगे बोलता है, यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना लेगा एलसीएम 48, भाग करेंगे कितना बार में कटेगा, 3 बार में, यहाँ कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब देखिए
दोनों बारी बारी से कार्य आरंभ करता है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बे, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बे। तो यहाँ पर देखिए, तीन और चार कितना होगा? सात। सात भाग कितना दिन में करेगा? दो दिन में। दोनों मिल करके सात भाग, तीन और चार सात, तो सात भाग कितना दिन में किया? दो दिन में। ठीक है, हमको कितना कार्य चाहिए? 48। टोटल कितना है? 48। तो कितना से गुना करेंगे? 48 से आसपास होगा, 48 के आसपास होगा। सात से गुना करते इसमें तो 49 हो जाएगा, तो एक ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, उससे कम करेंगे तो 6, तो 6×42, तो 6 से गुना करेंगे इसमें हम, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे। ठीक, तो कितना जाएगा? 6×42, यहाँ पर जाएगा 42 और 12। 6×42 गुना कर दिया हमने, यहाँ भी गुना कर दिया। ठीक है, तो 12 दिन में 42 भाग हो गया। टोटल हमको कितना चाहिए? 48। ठीक, लेकिन 12वां दिन कौन किया होगा? बी किया होगा। 12वां दिन बी, 13वां दिन कौन करेगा? एक जोड़ेंगे हम, तो 13वां दिन कौन करेगा? ए करेगा। तो तीन इसमें जोड़ेंगे, कितना जाएगा? अब ये हो गया हमको 45। यहाँ पर हो गया 45 और यहाँ पर हो गया 13। अब इसके बाद देखिए, हमको तीन और चाहिए, क्योंकि अभी 48 हमको पुराना है और यहाँ पे 45 ही है, तो तीन और चाहिए, तो तीन हम इसमें जोड़ देंगे। लेकिन तीन भाग अगला कौन करेगा? ये तो कर लिया 13वां दिन, लेकिन अब 14वां दिन अगला कौन करेगा? बी करेगा। बी का कितना है? 4 है। बी का कितना है? 4 है। तो यहाँ पर कितना होगा? प्लस में होगा। तीन भाग कितना दिन में करेगा? तीन भाग कितना दिन में? 3/4 भाग। ठीक है, 3/4 दिन में तीन भाग करेगा। ठीक है, कैसे आपको बतलाते हैं। हम लोग पहले निकालते थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, 3/4 दिन में, इतना दिन में करता है तीन भाग, तो क्या करते हैं? इसको पलट देते हैं, तो 3×4/3, 3 से 3 कट गया, 4 भाग आ गया हमको बी का यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमको कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13.3/4। यही हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 22 का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 में। प्रश्न संख्या 23 क्या बोलता है, सो देखिए। ए बी सी 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में। ए करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 55 दिन में। ठीक है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी तो बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर? एलसीएम हो जाएगा 220। 11 से भाग करेंगे इसमें, कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 20 से भाग करेंगे कितना बार में कटेगा? 11 बार में। 55 से भाग करेंगे इसमें कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ठीक, लेकिन प्रश्न अब क्या बोलता है कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, तो देखिए पहला दिन कौन किया? बी किया। ठीक है, पहला दिन बी किया और दूसरा दिन कौन किया? सी किया। पहला दिन ए के साथ बी किया और उसके अगला दिन कौन किया? सी किया। तो इन तीनों मिल करके कितना टाइम लिया? दो दिन। अब सबको जोड़ देंगे हम, तो कितना हो गया? 20, 11, 4 कितना हो जाएगा? देखिए इसको अब जोड़ेंगे हम, तो कितना होगा? 2
ए सॉरी दिख नहीं रहा, टू ए प्लस बी प्लस सी बराबर टू ए का कितना है 20, तो 20 दुना कितना हो गया 40 प्लस बी का कितना है 11 प्लस सी का कितना है 4, जोड़ेंगे सबको कितना जाएगा 40 11 51 4 55 55 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, जब 55 से इसमें भाग करेंगे तो कितने बार में करेगा 4 बार में, तो 4 दुना 8 यही हो जाएगा हमारा आंसर 8। ठीक है अगला प्रश्न आते हैं 24। प्रश्न संख्या 24 में देखिए क्या बोलता है, ए बी सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए करता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, सी कर सकता है 60 दिन में। ठीक तो आगे क्या बोलता है, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी एक साथ मिलकर कार्य करे, क्या करेंगे तीनों कैल्शियम लेंगे कितना जाएगा 60, तीन बार में दो बार में एक बार में। ठीक है तो बोलता क्या है प्रश्न के, पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन भी ए करता है, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ में बी और सी साथ में आ जाता है। पहला दिन ए किया, दूसरा दिन ए किया, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ में बी और सी दोनों आ गया। ठीक तो कैलकुलेट करेंगे हम कितना आएगा, 1 2 3 ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा अब 3 ए 3 तिहाई 9 9 दो 11 11 एक 12 12 से हम भाग कर देंगे, क्या कर देंगे 12 से भाग कर देंगे। लेकिन अब क्या बोलता है, ये तीनों मिल के काम किया तो कितना दिन लगा, एक दिन दो दिन और ये पूरा 3 दिन, तो 3 से हम क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे। अब कैलकुलेट करेंगे 12 5 60 तो 5 तिया कितना हो गया 15, यही हो गया हमारा आंसर 15। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 में। 25 क्या बोलता है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, बी 18 दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे कितना होगा 36, 3 बार में और यहाँ 2 बार में। ठीक है बोलता है का प्रश्न कि 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, ए ने 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए का कितना है 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे कितना होगा 9। अब समाप्त होने से पहले बोल रहा है तो क्या करते हैं प्लस करते हैं, पहले बोले तो प्लस, बाद में बोले तो माइनस, यहाँ पहले बोल रहा है तो प्लस कितना होगा 45, कितना हुआ 45। अब क्या बोलता है प्रश्न, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 से हम भाग कर देंगे कटेगा 45 9 बार में कटेगा 9 5 45 यही हो गया हमारा आंसर 9। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 में। प्रश्न संख्या 26 क्या बोलता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, सी 20 दिन में। ठीक है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात एक स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितना दिन पूरा होगा, तीनों को हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 6 4 3। ठीक है अब आगे क्या बोलता है सो देखिए, आगे बोलता है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए तथा सी ने 2 दिन, तो 6 और 3 कितना हो गया 9,
कितना दिन का अर्थ किया? 2 दिन, तो 6 3 9 9 दिन हो गया 18। क्या करेंगे हम? 18 घटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 दिन कार्य कर लिया ए और सी ने, ए और सी ने 2 दिन कार्य कर लिया, 3 लोग का घटा लेंगे, ठीक। तो कितना जाएगा यहाँ पर? 42। कितना दिया? 42। अब शेष कार्य, ठीक है, अब शेष, अब क्या बोलता है प्रश्न कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा। लेकिन प्रश्न को पढ़िए, क्या बोलता है? तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, ए के स्थान पर बी को, ठीक है। तो अब शेष कार्य कौन करेगा? बी और सी करेगा, बी और सी। तो बी कितना है? 4, और सी कितना है? 3। तो 4 3 7, तो 7 से हम भाग कर देंगे। कितना बार में कटेगा? 6 बार में। कितना बार में कटा? 6 बार में, ठीक। तो यही हो गया हमारा आंसर 6, यही हमारा आंसर हो गया 6। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 में। 27 क्या बोलता है? एक किसी कार्य को 12 दिन में, एक किसी कार्य को 12 दिन में, बी 10 दिन में, बी 10 दिन में, और तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 5 दिन में पूरा करता है। तो सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा? देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो गया 60। यहाँ पर कितना होगा? 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12। अब प्रश्न क्या बोलता है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसमें से ए और बी को घटा लेंगे, इसमें से ए और बी को घटा लेंगे, तो 12 में से 5 और 6 को घटाएंगे, तो 6 5 11, 12 में से 11 गया, कितना बचेगा? 1। कितना जाएगा हमको? 60। यही हो जाएगा हमारा आंसर 60, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28 में। 28 क्या बोलता है? ए तथा बी मिलकर एक कार्य को, ए तथा बी मिलकर 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, और तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 6 दिन में, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है? ए तथा सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा? किसका चाहिए? ए और सी का, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना है एलसीएम? 24। एलसीएम हो गया 24, यहाँ 8 3 24, 12 2 24, 6 4 24, ठीक है। बोलता है कि ए और सी कितना दिन में करेगा? तो हम क्या करेंगे, इसको मैं 2 से गुना करके इन दोनों को घटा देंगे। देखिए इस प्रकार से, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना लेगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस, क्या किए हम, सॉरी माइनस, पहले को a प्लस बी और b प्लस सी को जोड़ दिया, कितना लगा? a प्लस बी प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से हमको मिल गया कितना? सो देखिए, यहाँ से हमको मिल गया b और b कितना होगा? 2b। इस प्रकार से देखिए, 2a प्लस 2b प्लस 2c, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस a माइनस b और b 2b माइनस c, ठीक। तो बी से भी क्या हो गया? कट गया, 0 हो गया, प्लस 2b माइनस 2b। अब यहाँ पर कितना है? 2a, 2a में से a गया, कितना बचा हमको? a बचा। यहाँ पर 2c में से c गया, कितना बचा? c प्लस में, क्योंकि यहाँ प्लस में 2c है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या हम किए थे? 2 से गुना किए थे इसमें, तो इसका कितना है? 4, तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। इसके बाद माइनस किए थे,
इसको और इसको जोड़े छे तो 3 और 2 5, 3 2 5 कितना गया 3। 3 ये जो आया इसी से हम भाग कर देंगे, किसमें 24 में, कितना आ जाएगा हमको 8 आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर 8। ए प्लस सी बराबर कितना आया था 3, तो 3 से भाग कर दिए यहाँ पर 24 में, कितना आ गया आंसर 8। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 में। प्रश्न संख्या 29 क्या बोलता है, ए तथा बी 5 दिन में, तो ए प्लस बी करता है 5 दिन में, लिख लिया हमने। बी प्लस सी, बी और सी, बी प्लस सी कितना दिन में करता है 7 दिन में। इसके बाद ए प्लस सी, ए और सी 4 दिन में, ठीक है। तो प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य करेगा, क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 140, 5 7 8 का एलसीएम 140। जब इन सबको जोड़ेंगे तीनों को तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या करेंगे 2 से इसमें गुना कर देंगे, अब कितना हो गया 280, कितना क्या 280। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जब भाग करेंगे इसमें तो कितना आएगा 28, इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 20, इसको से भाग करेंगे तो कितना आएगा 35, ठीक यहाँ तक तो आ गया। अब हमको निकालना है तीनों का, तो तीनों का देखें कितना दिन में करता है, ए का तो ए कितना दिन में करेगा, तीनों को जोड़े तो ए प्लस बी प्लस सी और साथ में 2 कॉमन आया था तो 2 इसमें गुना कर दिया तो 280 आ गया, तो 280 बटे हमको अब ए का निकालना है, तो तीनों के योग में से बी और सी को हम घटा देंगे, सॉरी बी और सी को क्या करेंगे हम भाग कर देंगे, क्या करेंगे बी और सी को भाग कर घटा देंगे, तीनों के योग में से बी और सी को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा ए हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो तीनों का योग कितना जाएगा, इसको घटा देंगे तो 8 और 5 3, 8 5 13 के 3, 3 और 2 5 1 6। इसके बाद निकालेंगे बी का, तो बी का कितना जाएगा 280 बटे, बी कैसे निकलेगा यदि तीनों के योग में से, तीनों के योग में से यदि हम ए और सी निकाल लें, ये वाला निकाल लें तो हमको क्या बचेगा बी बचेगा, तो क्या करेंगे इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 8 28 24 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला तो हम निकाल दिए ए और सी को तो बी बच गया, तो यहाँ पर क्या आएगा हमको 8 और 2 2 4। इसके बाद सी का हम निकालेंगे तो 280 बटे, ये वाला 280 बटे, यहाँ देखिए अब सी का निकालना है, सी कैसे निकलेगा तीनों को योग में से यदि हम ए प्लस बी को निकाल देंगे, ये वाला निकाल देंगे तो यही ना बचेगा हमको, तो 20 और 35 कितना जाएगा 55। अब ये कितना आया हमको दिन आया, ये करता है ये 280 बटे 63 दिन, ये भी क्या आया दिन आया, ये भी आया दिन। तो प्रश्न क्या बोल रहा था कि कौन अकेला सबसे कम समय लेगा, तो कौन सबसे कम समय लेगा ए लेगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर ए। यहाँ पर देखिए क्यों, क्योंकि सब में ऊपर वाला अंश क्या है सेम है, अंश सबसे क्या है सब सेम है, लेकिन हर में सबसे बड़ा कौन है ये वाला, ये वाला है, ठीक है, यही में सबसे छोटा हो जाएगा, तो सबसे कम समय कौन लेगा ए लेगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 30 में क्या है, ए तथा बी मिलकर 12 दिन में करता है, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी करता है 15 दिन में, ठीक है। तो हमको प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो, देखिए
जोड़ेंगे इन सबको, पहले कैल्शियम ले लेते हैं, कितना देगा कैल्शियम 60, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 4, सबको जोड़ेंगे ए प्लस बी। प्रश्न में हमको क्या चाहिए, प्रश्न में चाहिए बी कितना दिन में पूरा करेगा, बी कितना दिन में, ठीक है। तो ए प्लस बी में से हम घटा देंगे बी और सी को, बी माइनस, क्योंकि यहाँ भी इसको घटा रहे हैं तो बी माइनस में होगा और सी भी माइनस में होगा, लेकिन सी के जगह पर क्या ले सकते हैं 1/2a, 1/2a। क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा कार्य करता है, ए क्या करता है दोगुना अच्छा कार्य करता है, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, बी से बी कट गया, बराबर में क्या देगा हमको, यहाँ पर हमको ए बचेगा, ए बाई टू, क्या मिला हमको ए बाई टू, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, क्या किए हम, इसको में से ये कितना है 5 है, ये कितना है 5, ए प्लस बी 5, माइनस क्या किए थे बी प्लस सी को, बी प्लस सी कितना है 4, हमको कितना आया ए बाई टू। तो यहाँ से हमको ए बराबर कितना मिल गया 2 मिल गया, ए बराबर कितना मिल गया 2, तो हमको यहाँ से ए का मिल गया बटे 2, तो ये हमको कितना मिला, ए का मिला 30, मतलब कि ए कितना दिन में करेगा 30 दिन में कार्य पूरा कर लेगा, लेकिन चाहिए किसका हमको बी का, यहाँ पर हमको दिया है ए प्लस बी, ए प्लस बी का दिया है 12, ए प्लस बी का 12, पर हमको यहाँ से मिल गया ए का 30, तो इसको भी कैलकुलेशन कर लेंगे उसी प्रकार से, कितना जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ 2। अब इसमें से हमको चाहिए किसका बी का, तो इसमें से हम ए को घटा लेंगे, तो 5 में से 2 गया बचा 3, तो कितना आ गया 20, हमको आ गया बी का 20, यही आ गया हमको आंसर 20, ये किसका आ गया बी का, यहाँ पर ये किसका आया था ए का आया था 30 दिन और बी का आया 20 दिन, यही हमको आंसर हो जाएगा 20। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 में क्या है, 31 में यहाँ से सोल्व करने का जो मेथड है वो अलग आ गया है, तो उसके लिए 31 से आगे के प्रश्नों को, 31 से आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि 31 से आगे का जो प्रश्न है, 31 से लेकर के आगे का, उसका मेथड बनाने का अलग है, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।